नमस्कार, आज हमारे साथ विशेष वार्ता के लिए उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं। स्वागत है आपका अग्निहोत्री जी। और जिस तरीके से जी धन्यवाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही हुए मंत्रिमंडल विस्तार में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय, और इस लिहाज से क्योंकि राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाएँ हैं, तमाम सारे विषय हैं जिनमें बहुत सारे धन की आवश्यकता है, और आबकारी विभाग से जो रेवेन्यू मिलता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कई सारे ऐसे सवाल भी इस विभाग से हैं। तो ऐसे मजबूत, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब तक का आपका समय कैसा रहा है? विभाग चुनौतीपूर्ण है, और अब तक जो सरकारें नहीं हैं उनमें अधिकांश रूप से ये विभाग मुख्यमंत्री के ही पास रहता था, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये ऊपर से नीचे तक इसमें बड़ा लंबा घोटाला, घालमेल, कुछ भी कह लीजिए, ये होता था। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निहायत ही ईमानदार मुख्यमंत्री, नहीं तो और किसी मुख्यमंत्री के रहते आबकारी विभाग किसी मंत्री को नहीं मिलता था, वो मुख्यमंत्रियों के ही पास रहता था। इसलिए उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ मुझे ये विभाग दिया है, और पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से इसमें काम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जो 14,000 करोड़ इसकी रेवेन्यू था समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसे बढ़ाकर 24,000 करोड़ कर दिया। अब हमारा लक्ष्य 31,600 करोड़ रुपए तक ले जाने का है, और प्रयास हो रहा है, सब लोग लगे हैं, अधिकारी भी कर्मचारी भी, सबको प्रेरित करके, टाइट करके, और विभाग का राजस्व की जो हमारी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, ये सबने मन बनाया है और गंभीर प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। पर चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं, कि मुझे जो दिखाई पड़ता है विभाग का रेवेन्यू आप लोगों ने जरूर बढ़ाया है, बात सही है, लेकिन इस बीच आपने जो पॉलिसी थी उसमें परिवर्तन किया, मेजर चेंज हुआ, क्योंकि एक सिंडिकेट के समय की जो पॉलिसी थी और पिछली सरकारों के दौर में वो किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाती थी, अब उस दौर में ये बताया गया था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस मॉडल को ऑप्ट किया गया है, जब मायावती सरकार में ये स्पेशल जोन और सिंडिकेट को पूरा प्रभावी करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई थी उस पॉलिसी के पीछे तर्क यही था, वो पॉलिसी आगे भी चलती रही, बड़े पैमाने पर समय लगा और रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो ये 10,000 करोड़ का जो अतिरिक्त रेवेन्यू आप लोग गेन कर पाए हैं, इसका रास्ता क्या है, रोड मैप क्या था? ये यही जो आपने अभी कहा ना कि सिंडिकेट के हाथ में थी व्यवस्था, वो सिंडिकेट को हमने तोड़ दिया, और बड़ी खुशी की बात ये हुई कि लाखों लोगों को रोजगार मिला उससे, नहीं तो कुछ लोगों के हाथ कब्जे में ये विभाग रहता था, उनके हाथ में रहता था, जैसा चाहते थे वैसा चलाते थे, वही दुकानों का भी उन्हीं के पास ठेका होता था, उनके पास जो है वो होलसेल का भी ठेका होता था, और वो अपने मनमानी तरीके से मोनोपोली बना के विभाग को चलाते थे। लाखों नौजवानों को रोजगार मिल गया, दुकानें मिल गईं, हमने पारदर्शिता के हिसाब से लॉटरी सिस्टम किया कि जिसकी लॉटरी निकलेगी उसको मिलेगा, ई टेंडरिंग की है, और आगे भी पारदर्शिता के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से रोजगार परक इस विभाग को बनाने की हमारी नियत है और नीत भी है। लोग ये कह रहे हैं कि विभाग जरूर बदला, दौर बदला, नीति बदली, लेकिन बीच में ही सहारनपुर, देवरिया, बाराबंकी, आपके कानपुर देहात, ऐसे ऐसे तमाम जिले रहे जहाँ पर बड़ी संख्या में जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हुई, और शायद यही वजह है कि जो पहले मंत्री थे उनका विभाग भी बदला और वो जिम्मेदारी फिर आपको दी गई, आपके कंधों पर दी गई। तो ये जो जहरीली शराब का सिंडिकेट, कच्ची शराब का सिंडिकेट या शराब की तस्करी है, इस पर तो लगाम लग नहीं पा रही? नहीं, काफ़ी बड़ी काफ़ी मात्रा में लगी है लगाम, एकदम बंद हो गया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ रोकथाम करने का प्रयास हमने किया है, एनफोर्समेंट को बढ़ाया, नई गाड़ियाँ भी जनपदों में दी हैं, जिला अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखे गए, फोन पर भी वार्ता की गई है कि इसमें एनफोर्समेंट में सख्ती बरती जाए और इस तरह की घटनाएं न घटने पाए, जहरीली शराब को एकदम रोकने का प्रयास गंभीर रूप से प्रदेश में किया गया। अच्छा, अभी
तो आप आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है, आप कह रहे हैं रोजगार का भी खूब सृजन हुआ, लोगों को मौका भी मिला, तो निश्चित तौर पर दबाव भी बहुत सारा आता होगा, क्योंकि माफिया भी इसके अंदर है, इसके अंदर तमाम राजनीतिक लोग भी हैं, तमाम प्रशासनिक लोग भी हैं जिनके परिवार के लोग इस तरह की व्यवस्थाओं से, इस तरह के उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं। और अब तो पब कल्चर तमाम सारे शहरों में आ चुका है, आपकी सरकार ने भी 2 दिनों पहले 40 अलग अलग बार के लाइसेंस जारी किए, तो इसको लेकर के बहुत सारा दबाव, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक दबाव आता होगा आपके ऊपर भी। नहीं, दबाव आता है, लेकिन दबाव रहित काम करना, कि माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें दबाव का ज़्यादा महत्व नहीं है। इसमें महत्व है कैसे जनहित के काम किए जा सकते, कैसे इस विभाग का रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, और कैसे लोगों को गुणवत्तापूर्ण जो हमारा उत्पाद है वो गुणवत्तापूर्ण लोगों को मिले, सही दाम पर मिले, इसका प्रयास है। किसी के सिंडिकेट या किसी के दबाव में काम करने का कोई कारण नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो करते थे खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारी, जिन अधिकारियों ने एक दौर में एक ग्रुप विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ तक कि रेकमेंड कर दिया था शासन को कि इनके ऊपर जो देनदारियाँ आ रही हैं उनमें उनको रिलीफ दी जाए, बाद में जब हाईकोर्ट की फटकार हुई तो सरकार ने उस पर कदम पीछे हटाए, और एक बहुत बड़े अफसर को भी उनके विभाग, जब उस विभाग के प्रमुख सचिव के दायित्व से काम कर रहे थे, उनको तत्काल हटाया गया। बावजूद इसके उन तमाम अधिकारियों को आज भी लखनऊ, मेरठ, तमाम सारे महत्वपूर्ण जोनों के स्तर पर प्रभारी बनाया गया है, मंडलों के स्तर पर प्रभारी बनाया गया है, और आज भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उन पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके बगैर, उनकी वजह से सरकार को हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी तो लगभग वो ही है, यहाँ से हटके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सरकार की अगर नीयत ठीक है और ईमानदारी से काम करने का सरकार का इरादा है तो कोई अधिकारी कहीं गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हमने नकेल टाइट करके रखी हुई है। अब तो हम नया सिस्टम ला रहे हैं, 700 करोड़ रुपया सरकार खर्च करने जा रही है ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली। इसमें हर बोतल को आप हर दुकान पे मशीन लगेगी, वो मशीन चेक करके बताएगी ये असली है कि नहीं, रेट सही है कि नहीं, माल सही है कि नहीं। ये हर पॉस मशीन हर दुकान पे लगेगी, जहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी उनका भी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से पूरा हमारा कनेक्शन होगा, उसको भी हम ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे लोग बैठेंगे उसको चेक करेंगे विभागीय लोग कि ये गाड़ी वहाँ से चली थी रामपुर से जाना था इसको बनारस, बीच में तो नहीं कहीं उतर गई, जो गड़बड़ियाँ होती थी वो इसी तरह की होती थी, बिहार के लिए चलती थी बीच में उतर जाती थी, बनारस के लिए चलती थी कानपुर में उतर जाती। बहुत सारे लोग चोरी भी बताते थे, गाड़ियाँ चोरी भी बहुत सारी हुई हैं, चोरी का माल इस तरह से नंबर दो का माल ले जाते थे। अब उस टेक एंड ट्रेस प्रणाली से हम इस पर पाबंदी लगा सकेंगे, और जो हमारी जिसको रेवेन्यू की चोरी कहना चाहिए कि होती थी उस पर हम एकदम रोकथाम कर लेंगे, और रेवेन्यू और ज़्यादा इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बढ़ाएँ। एक जो चीज़ आती थी खासतौर पर बॉर्डरिंग इलाकों में, जैसे बिहार राज्य है वहाँ पर शराबबंदी लागू है, तो ये जो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्करी भी होती है, यहाँ पर जहरीली शराब से मौतें भी बहुत सारी हुई हैं। जहरीली शराब अलग बात है, ये शराब जो हरियाणा मेड है, पंजाब या हरियाणा, हरियाणा से बहुत बड़ी मात्रा में आता है, इसमें जो है टैक्स की चोरी है जी, टैक्स ही है शराब में, शराब की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है जी, उस पर जो टैक्स है उनको मिला के ज़्यादा होता है, और टैक्स की चोरी करते हैं तो बड़ा लंबा मुनाफा उनको होता है, उस टैक्स की चोरी को हमें रोकना है। तो जो मैंने कहा है ना कि ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली हम ला रहे हैं उससे ये चोरी भी रुकेगी, जो अदर राज्यों से जो सरकार आती है 2 नंबर में टैक्स चोरी की, उस पर रोकथाम करने में हमको सहूलियत मिलेगी और लगभग उसको हम बंद करने में सफल हों। इस प्रणाली को एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपका जो अपना आबकारी विभाग का सिस्टम है वो भी मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है अभी जो आपको भी परंपरागत तौर पर ही चीज़ें मिली हैं, खासतौर पर अभी तक जो विभाग है उसमें ज़्यादातर जिलों में अभी वाहनों की बड़ी कमी है, हथियारों की कमी है, हथियार आपके शायद प्रवर्तन वगैरह के लिए जो जाते हैं उनके पास नहीं है, पुलिस के ही ऊपर उनको भी निर्भर रहना पड़ता है, जबकि अपने पास अच्छी संख्या में कॉन्स्टेबल भी है, इंस्पेक्टर्स भी हैं, तमाम सारे अधिकारी भी हैं।
और मोबाइल फोन्स को भी लेकर के जहाँ तक बात होती है। इसके अलावा ऑफिसेज में भी ये बताया जाता है क्लर्क्स की बड़ी संख्या में कमी है। बहुत सारे ऐसे DU दफ्तर हैं जहाँ पर प्राइवेट क्लर्क से या प्राइवेट आदमियों से वो लोग काम करा रहे हैं। नहीं, मैन पावर की कमी थोड़ी बहुत है, उस पर हम विचार कर रहे हैं कैसे उसको भरा जाए, पूरा किया जाए, लेकिन हथियार देना उनको ये पॉलिसी मैटर है, कोई अकेले विभाग का काम नहीं है, कैबिनेट तक जाएगा, हो सकता है विधानसभा तक जाए, वहाँ से पास करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मर्ड फोर्स जो है वो दूसरी है प्रदेश में, ये आर्मर्ड फोर्स नहीं है, ये विभागी जो पुलिस है आबकारी विभाग की, जी इसको आर्म्स देने का प्रावधान नहीं है, तो इसको देने के लिए फिर वो पॉलिसी मैटर है, उसको नीतिगत निर्णय में ले जाना पड़ेगा, इस पर विचार करेंगे। अच्छा, एक जो बात आती है ओवर रेटिंग की, आपके भी सामने तमाम शिकायतें आई होंगी, कई सारे जिलों में ओवर रेटिंग की बड़ी शिकायत आती है, यानी शराब की MRP से। कुछ जगह से शिकायत आई है, वहाँ गंभीर कठोर कार्रवाई की गई है, वहाँ के इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया, दुकानों को भी सस्पेंड किया है, लेकिन अभी एक आध महीने से बहुत गंभीर शिकायतें नहीं आ रही। एक बात विपक्ष के लोग कहते हैं, खासतौर पर आपके मैनपुरी सैफई वाले बहुत आरोप ये लगाते हैं कि जो आप यूपी कोका जब लेकर के आए थे, तब तो आपने आपकी सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित माफिया है, वो चाहे अपराध से जुड़ा हुआ हो, चाहे संगठित खनन से जुड़ा हुआ हो, या शराब का संगठित माफिया हो, उसके खिलाफ यूपी कोका ला रहे हैं हम और इस एक्ट के तहत उसको पाबंद करेंगे। हम लोगों की जानकारी में भी और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि अब तक किसी बड़े शराब माफिया या किसी बड़े खनन के सिंडिकेट वाले या किसी इसी तरीके से करने वाले के खिलाफ सरकार ने यूपी कोका के प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं की है, और इसको लागू हुए करीब 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। नहीं, और भी प्रावधान है, गैंगस्टर का प्रावधान है, NSA का प्रावधान है, जिसमें भी सालों साल जमानत नहीं होती है, उनकी संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है, उनके तहत कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आपका इलाका गृह क्षेत्र, थोड़ा राजनीतिक बातें भी थोड़ा और आपके इलाके पर खासतौर पर हो, आप एक ऐसे चर्चित इलाके से आते हैं जो लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहा, तब वहाँ मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोगों को देखने की बहुत ज़्यादा आदत है। आप कैबिनेट मंत्री, आपको BJP की सरकार ने बनाया, तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? खासतौर पर अभी हाल में मैनपुरी का एक मामला भी बहुत चर्चा में आया, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी भी बहुत आरोप लगा रही थी, जो छात्रा की मौत हुई। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है ईमानदारी से काम करना, उसकी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही इसका संज्ञान लिया था, STF को लगाया था उस जांच में, और जांच सही दिशा में जा रही थी, लेकिन फिर विपक्ष के लोगों ने, प्रियंका गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, इन्होंने फिर उस पर टीका टिप्पणी की, पत्र लिखा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके आधार पर वहाँ के SP को हटा दिया, DM को हटा दिया, और STF वो SIT SIT की गठन कर दिया है, वो SIT अब जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होना है, लेकिन बिना जांच के एकदम ये कह दिया जाए कि ये अभियुक्त है, ये अभियुक्त है, ऐसा करना उचित नहीं है। जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, चाहे कितने ही प्रभावशाली हो, उनके खिलाफ अवश्य कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, आप तो लंबे समय से BJP के साथ हैं और परंपरागत तौर पर भी लगातार काम करते रहे हैं, संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं। ये सैफई और मैनपुरी इटावा, इसका मर्म क्या है? उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र तो ये हमेशा से रहा है, अब आप सब लोग जब विपक्ष में रहे तब किस तरह की परिस्थितियां थी, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और अब जब आप सरकार में मंत्री हैं, आपकी सरकार इतने मजबूत बहुमत के साथ है और वो विपक्ष में है, तब कैसी राजनीतिक परिस्थितियां, खासतौर पर अगर मैं उस इलाके की बात करूं तो? परिस्थितियां भाजपा के एकदम अनुकूल हैं, क्योंकि जनता ने सपा और बसपा का शासनकाल देखा है, अपराध बढ़ते थे, भ्रष्टाचार बढ़ता था, जातवाद बढ़ता था, वो सब चीज़ें रुक गई हैं, न भ्रष्टाचार है, न जातवाद है, अपराधों पर नियंत्रण किया जा रहा है, इसलिए जनता में अच्छा महसूस है, जो फीडबैक आ रहा है उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार की हर जगह प्रशंसा कर रही है, और अच्छा काम प्रदेश के अंदर हो रहा है।
सर लोग ये कहते हैं खासतौर पर आपके बारे में कि संघ के बहुत प्रिय हैं अग्निहोत्री जी, और इसीलिए शायद सरकार ने जब उनको मंत्री बनाया तो कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया, साथ ही साथ उनको एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई। तो ये क्या संघ का या दूसरे जो और जो संगठन हैं इनका दखल सरकारी कामकाज में अभी भी होता है? नहीं, संघ कोई दखल नहीं करता है, कभी कुछ पूछा जाता है तो सुझाव देते हैं संघ के लोग, और मैं संघ का बचपन से कार्य करता हूँ इसका मुझे गर्व है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और संघ का कार्यकर्ता होना मानो एक अनुशासित कार्यकर्ता ये माना जाता है, देशभक्त कार्यकर्ता ये माना जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता ये माना जाता है। इसलिए संघ राष्ट्रवादी संगठन है, समाज सेवा का काम संघ करता है। संघ का राजनीति में कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी भी संघ की विचारधारा से प्रभावित है, ओतप्रोत है, उसके बड़े जा अधिकांश स्वयंसेवक भाजपा में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, संघ कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं। मोदी युग में और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो युग था, आडवाणी जी का युग था, क्या कुछ बदला है? मतलब आप लोग तो दोनों दौर में रहे खास तौर पर, और उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसा था जो लगता था कि मल्टी लीडर्स पार्टी है उत्तर प्रदेश में, शायद इसीलिए भाजपा जो है वो उभर कर सामने नहीं आ रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी बीजेपी की, और अब जब सरकार बन गई तो बहुत सारे मंत्री, खासतौर पर आप लोग जैसे वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ पार्टी के नेता जो है वो मंत्री बने, तब ये कहा गया कि कैसे चला पाएंगे योगी जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे ध्रुव हैं जो पहले से ही अपनी जमीन में बहुत मजबूत हैं, लगातार चुन करके आ रहे हैं। राजनीति में तीन चीजें होती हैं, नीत, नेता और नियत। तो नीत और नियत तो हमारी वो ही है जो अटल जी के जमाने में थी, नेता बदला है, और नेता हमारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता है इस समय। इस समय विश्व के टॉप 5 लीडर में से मोदी जी का नाम है। तो नीत वही है जो अटल जी के समय थी, वही नियत है देश को आगे बढ़ाने की, देश को सशक्त करने की, भारत माता विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचे, ये सपना हमारा है। वही सपना तब था, वही सपना अब है। फर्क इतना ही हुआ है कि अटल जी जब थे तो 24 पार्टियों की सरकार थी, आज हमारी अकेली सरकार है, 300 के ऊपर हमारे सांसद हैं। ये हमारे नेता का करिश्मा है, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उन पर भरोसा कर रहा है, उन पर उनसे उम्मीद है, विकास की भी उम्मीद है, देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, इसलिए पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। लेकिन एक जो समस्या आ रही है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, बेरोजगारी का जो सेंसेक्स है वो लगातार ऊपर जाता है, इस चुनौती ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अंततोगत्वा देश जो है सही दिशा में जा रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, जीडीपी आज कम है कल बढ़ेगी, विकास की गति कम है आगे बढ़ेगी, ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात की उम्मीद करें कि जो मौजूदा सरकार है वो उनकी जीवन शैली में, उनके जीवन की बेहतरी में, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर आपके इलाकों में जो मैनपुरी और इसके आसपास का इलाका कहा जाता है, यहाँ भी आपराधिक गतिविधियाँ अचानक बढ़ी हैं, इन सब को लेकर के भी विपक्ष लगातार, अभी विधानसभा का सत्र जब था तब भी घेरने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। आप 3 साल सरकार को होने जा रहा है, 1-2 महीने कम होंगे, मार्च में 3 साल हो जाएंगे, एक भी आरोप हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं लगा, एक भी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, जातवाद का आरोप नहीं, चरित्र का आरोप नहीं, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं के को देखते हुए उन पर कार्रवाई क्या हो रही है, ईमानदारी से हो रही है कि नहीं हो रही है। पिछली सरकारों में तो लोगों को अपराध करते थे उनको बचाने का काम होता था, मंत्री और मुख्यमंत्री तक लगते थे बचाने के लिए, फोन किए जाते थे जनपदों में, पुलिस की भर्ती होती थी उसमें एक ही जात के लोग आ जाते थे, बड़ा खेल होता था, बड़ा भ्रष्टाचार होता था। अब इस सरकार में एक भी शिकायत नहीं है किसी भी तरह की, ईमानदारी के साथ जो नौकरियां मिल रही हैं नौजवानों को, ईमानदारी के साथ मिल रही हैं। हमारे यहाँ तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कार्यकर्ता, उनके परिवार वालों को नौकरी मिली है तो मुझे बधाई देने आए, और उन्होंने कहा कि साहब 1 रुपया नहीं लगा कहीं,
हमारी सरकार थी तब हमारे रिश्तेदारों से रुपया लग गया, रिश्तेदारों से, और आपकी सरकार में कोई एक रुपया हमारा खर्च नहीं हुआ। हमारा लड़का पुलिस में भर्ती हो गया, हमारा लड़का स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो गया। ये उदाहरण लोग दे रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी के लोग उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है, और मैं अगर ये कहूँ इसलिए मत मानना कि मैं उनका मंत्री हूँ, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का अगर कोई नाम है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। बहुत सारे विषय आपने बिल्कुल सही बात कही, और 30 से ज़्यादा नए मेगा प्रोजेक्ट्स जो है सरकार शुरू कर पाई, एक बड़ी इन्वेस्टर समिट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, और अब डिफेंस एक्सपो भी होने जा रहा है, इस तरह के तमाम सारे आयोजन हुए। जो चुनौती है उसको किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में चुनौती क्या है? अभी राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त प्रदेश है और चुनौती है। आप लोगों को भी जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ होगा तो मैनपुरी ही नहीं आसपास के भी इलाकों में चुनौती प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की है, उस पर हम कड़ाई से काम कर रहे हैं। दूसरी चुनौती बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार दे। अब वो रोजगार कोई सरकारी नौकरी से ही नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए बड़ी मात्रा में निवेशकों को आमंत्रित किया गया है कि वो आए, कल कारखाने लगाएं प्रदेश के अंदर। कल कारखानों से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बड़ा सुधार होगा, रेवेन्यू हमारे पास बड़ी मात्रा में आएगा, जिससे विकास के काम, क्योंकि विकास प्रदेश के अंदर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में विकास करना है, रोडों का जाल बनाना है। बिजली हर गांव तक पहुंच गई है, लेकिन बिजली 24 घंटे मिले इसका प्रयास हमारी सरकार को करना है, ये भी चुनौती है। अभी 16 घंटे मिल रही है देहात में, 18 घंटे, इसको 24 घंटे करना है। 24 घंटे बिजली मिले, कम रेट पे बिजली मिले, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, विकास का काम तेजी से हो, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, यही चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। अच्छा, आप लोग चूँकि जो आपकी विचारधारा है खासतौर पर संस्कार और राष्ट्रवाद और इन सब चीज़ों को लेकर संघ भी बात करता है, बीजेपी भी बात करती है, क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार में जिस तरह से आपकी सरकार ने शराबबंदी लागू की है, ठीक है कि आज रेवेन्यू की भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन क्या सरकार आने वाले समय में, मुख्यमंत्री योगी हैं, आप खुद इस विभाग के मंत्री भी हैं, क्या विचार कर रही है कि कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि शराबबंदी या इस तरह का, गुजरात में भी लागू किया था मोदी जी ने? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, विभाग को पटरी पर लाने के लिए खासतौर पर सिंडिकेट से प्रभावित अधिकारी। देखिए, बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक पार्ट इससे आता है, एक्साइज से, और उसको एकदम बंद करके प्रदेश के विकास कार्यों को नुकसान हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जब होगी कि इसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे, तब इस पर विचार किया जाएगा, अभी कोई प्रस्ताव नहीं। विभाग को पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो बीच में दिक्कतें आई थी, विभाग पटरी पर है, विभाग बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, बराबर रेवेन्यू बढ़ रहा है, और किसी तरह की कोई गड़बड़ी अभी इस समय कहीं नहीं हो रही। धन्यवाद राम नरेश जी। हमारे साथ राम नरेश अग्निहोत्री जी थे, उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री, और जिन्होंने बहुत साफ तरीके से बात कही कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर उनका महकमा जिसकी जिम्मेदारी वो संभालते हैं उसमें सब कुछ दुरुस्त है, पटरी पर है, और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में जिनके खिलाफ शिकायत आई उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की उनकी सरकार जो एक बेहद ईमानदार सरकार की छवि रखती है, उस पूरे सिलसिले को वो लोग आगे बढ़ाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें उनकी अपनी मैनपुरी की जनता को भी है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी है। धन्यवाद सर, नमस्कार।